हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसका 484 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 484 के, ठीक है। उसके लिए लास्ट डिजिट चेक करें, 4 है, इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2। 2 के टेबल में 4 आता है 2000, 2 के टेबल में 8 आता है 4000, 2 के टेबल में 4 आ रहा है 2000। अब लास्ट डिजिट चेक करें, फिर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है 1000, 2 के टेबल में 4 आ रहा है 2000 और 2 1000। अब देखें लास्ट डिजिट जो है इवन नहीं है, ऑड है, 1 है, ठीक है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, ठीक है। अब 121 है, हम यहाँ पे 2 तो लेंगे नहीं, अब 3 ले सकते हैं कि नहीं, 3 लेने के लिए कोई नंबर चेक करने के लिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसके लिए डिजिट्स प्लस करें, 2 में 1 प्लस करें 3, 3 में 1 प्लस करें 4 आ रहा है, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, इसका क्या मतलब है, 3 भी नहीं लेंगे। 5 के लिए कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए ये रूल होता है लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो हमारे पास तो 1 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसके लिए डिजिट लास्ट डिजिट में उसी को प्लस करें, प्लस करके जो आंसर है उसमें से रिमेनिंग को माइनस कर दें, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 में 1 प्लस करें 2, 2 में से रिमेनिंग मतलब 12 को माइनस करें, तो क्या आएगा, हमारे पास 10 आ रहा है, 7 के टेबल में तो 10 नहीं आता, इसका मतलब हम यहाँ पे 7 भी नहीं ले सकते। 9 के लिए ये रूल होता है फिर से डिजिट्स प्लस करें, प्लस करके 4 आ रहा है, ठीक है, तो प्लस करके ऐसा नंबर आना चाहिए था जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब अगर 3 के टेबल से वो डिवाइड हो रहा है तो वो 9 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 4 आ रहा है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 11 ले सकते हैं कि नहीं, तो 11 के लिए देखें ये रूल होता है, हमने पहला डिजिट लेना है, इसको छोड़ देना और इसको लेना है, देखें 1 ले लिया, इस दूसरे वाले को छोड़ दिया और ये वाले को ले लिया, तो इसमें देखें ये लिया, इसको छोड़ा, इसको ले लिया, ये लिखा यहाँ पे, सेंटर में माइनस आ गया, अब जो छोड़ा था वो लिखें 2, उसको यहाँ पे लिखें। अब देखें 1 में 1 प्लस करें 2 आ रहा है, 2 में से 2 कट करें तो 0 आ रहा है, हमने जब ये रूल को फॉलो करना है ना, तो हमारे पास आंसर या तो 0 आ जाए या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 के टेबल से डिवाइड होता है, 11 के टेबल में आता है, तो हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर ही डिवाइड हो रहा है 11 से, ठीक है। तो हमारे पास 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे 11 ही ले लेंगे, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रूल समझ आया, 11 से चेक करने के लिए आपने पहला नंबर ले लेना, दूसरे को छोड़ देना और तीसरा ले लेना, उनको प्लस करवा देना, सेंटर में माइनस जो नंबर छोड़ा था उसको इधर, फॉर एग्जांपल इधर एक और नंबर होता, फॉर एग्जांपल 3 होता, तो हमने यहाँ पे 2 के साथ 3 लिखना था, ठीक है। अच्छा, अब 11 के टेबल में 12 तो नहीं आता, अब क्या करें, 12 से छोटा 11 के टेबल में क्या आता है, 11 ही आता है, हमने कट करके 11 लिख लिया, 11 के टेबल में 11 आ गया, 1000, ये 12 था, जब 11 बना तो इसका 1 कहाँ चला गया, इधर, ये भी 11 बन गया, 11 के टेबल में 11 आ गया 1000। अब 11 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 11 ही ले लेंगे, 11 1000 11 आ जाएगा। हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट 484 का, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, इज इक्वल टू जो इसके फैक्टर्स आए हैं ये वाले, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखें इस तरह, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर कर लें, 11 2 टाइम्स है तो 11 का स्क्वायर कर लें। अब हमने स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किया ताकि हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये 2 भी बाहर आ गया और ये 11 भी बाहर आ गया, ठीक है। 2 11 से क्या आ जाएगा, 22, ठीक है, 11 2 से 22 आ गया, तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट 484 किसके इक्वल हो गया, 22 के, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।